देखो मुझे, अपनी पढ़ाई जी जान से करना, हमारा नाम रोशन हो। जसवंत सिंह के पास हमारी कमी तुझे महसूस नहीं होगी। जाओ जाओ जसवंत सिंह के पास जाओ। और हाँ जसवंत सिंह, हम जरा जा रहे हैं, हम समझते हैं। अच्छा छोटे में जाता हूँ। बोलो मुन्ना, जय महाकाल। जय महाकाल के सुन, जय महाकाल। हमारे भाई की देख रेख में तू रहेगा, कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जय महाकाल के सुन, जय महाकाल। और हाँ, एक बात का और ख्याल है। कौन सी बात? हमारे भाई के बदन में खरोच नहीं आनी चाहिए। गलती से इसके बदन में खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे भाई के बदन में खरोच आया जसवंत, तो तेरे जसवंत नगर में आग लगा दूंगा, उनकी नदी बहा दूंगा। जो है दादा, अगर तेरे भाई अरुण के शरीर में खरोच आया तो समझो ठाकुर जसवंत सिंह के शरीर में खरोच आ गया। बोल जय महाकाल, जय महाकाल। अरुण मेरे पास आ, क्या बात है बड़े भैया? तेरा दिल वहां नहीं लग रहा था? नहीं, इसीलिए तो हमने बड़े भैया से बोला कि हमारा किसी शहर में एडमिशन करवा दीजिए। चिंता मत कर चुनीलाल, इसी वक्त तुम यहाँ से जाके कॉलेज में प्रिंसिपल से बोले कि ठाकुर जसवंत सिंह का डर है, आज ही इनका एडमिशन कॉलेज में हो जाना चाहिए। ठीक है? और हाँ, उससे पहले अरुण को ले जाके हमारे जसवंत नगर की सारी गलियां घुमा दे। ये मत समझना कि ये ठाकुर सिंह का भाई है, ये समझना कि ये ठाकुर जसवंत सिंह का भाई है। चौबीस घंटे हर समय तू अरुण के साथ रहेगा। और सोच ले कि हम अपने जसवंत नगर में इसीलिए ऐलान किए, अरुण को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हुई सर, तो समझ लेना कि हम बहुत हरामी आदमी कि जनता शांत रहेगी तो मारू दोगे, प्यार दोगे। जनता शांत रहेगी तो रंग मारूंगा। Yeah.
जबान दे देता हूँ वक्त आ जाए तो जबान से अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर तेरे लिए तो ये दादा सिंह कुछ भी कर सकता है, मर मिटा है ठाकुर तेरे लिए। माधुरी क्या जानती है कि दादा सिंह तुझे इस कोठे से निकालकर अपनी ठपुराइन अपनी हवेली में बनाएगा? हाँ, वादा है कि किस दिन तेरे गले में नौलखा हार पहनाऊंगा उसी दिन तुझे अपनी सुहागन बनाकर अपनी ठपुराइन बनाकर अपनी हवेली में ले जाऊंगा। मैं उस दिन का इंतजार भी करूंगी। इंतजार करेगी लेकिन मेरे पास आ चप्पा। तेरे प्यार का माधुरी हम ही नहीं यहाँ की सारी वादियां भी इस वक्त तुझ पर आशिक है। हवा की सरसराहट भी तेरे पहलू को चूम कर अपनी अपनी तरफ लहरा रही है। तेरे प्यार का आशिया चाहता
Thank you.
इंतजार भी मैं करूंगी, लेकिन वादे के कच्चे हो गए ना तो मैं कभी नहीं बात करी कभी नहीं। लेकिन हमें भूलना भी नहीं दादा जी, कभी अपनी दुल्हन मुझे बनाकर अपने घर जरूर ले जाना। अरे रमजान बेटा, अरे तैयार है तैयार, चलो फिर चलो। कहाँ? ए रंजन बोलिए। वो दिल लेके दिल दिया है, अरे दादा जी दिल लेके तो दिल दिया, ऐसा नहीं किया कोई। वो दिल लेके दिल दिया है, ऐसा देखिए देखिए आपको वहां से यहाँ
अच्छा लगता है या नहीं? बहुत अच्छा लगता है। अरे और आगे बढ़कर देखो, तुमको हम एक से एक नोट, एक से एक खरीदा, एक से एक पुरान पुरान गली देखो। अच्छा बेटा सुन रहा हूँ। अरे कहाँ बीड़ी? बोला बीड़ी पीते? बोला तुम ठाकुर हो, बीड़ी नहीं पीतोगे? अरे खा पिए रहा यार, सब साथे चली जा तुम। देख पहला नंबर तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सिगरेट बीड़ी ये सब शोभा नहीं देती है। रास्ता तो रास्ता माँ के हुआ, कहाँ लड़का ये कट्ठा हूँ मैं, हम हैं और आप भी हैं, आप भी हमारे दोस्त हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। तू ठीक कह रहा है, अच्छा ऐसा है, चल आगे चल कर पिएगा। चलिए चल आगे। कौन सी बात तुम्हें याद आ गई है? बताओ। नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? तो घर से निकल रहे थे ना? निकलने की समय की बात है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से लाजवाब मुन्नी लाल। लेकिन ये बताइए,
ये लड़के से क्या वास्ता है आपका? देख मुनिलाल, मैंने धारण राव भाई ठाकुर जब से हमने इसको देखा है ना, तब से मुझे कोई और चीज दिखाई नहीं देती सिर्फ इस लड़की के सिवा।